जैसा कि मेरे भाइयों आप देख सकते हैं, हमने मोटर की कंप्लीट फिटिंग कर ली है। अभी हम सीरीज में चेक करेंगे मोटर शॉर्ट वगैरह चेक करेंगे। आप चेक कर सकते हैं शॉर्ट वार्डनिंग मोटर बिल्कुल ओके। अभी इसके पेयर वगैरह भी आपको स्लॉक चेक करवाते हैं, पेयर वगैरह भी चेक करवाते हैं। तो अभी इसके अंदर जो हमने फार्मूला इंस्टॉल किया था वो भी इंशाल्लाह आपको बताया मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि टर्न इंस्टॉल की इसमें कौन सा आप चेक कर सकते हैं साउंड लेस मोटर है और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है मोटर के। आप चेक भी कर सकते हैं तीन साढ़े तीन अम्पेयर ले रही है। जो मैंने वीडियो के अंदर दिए थे अम्पेयर वही इसके ऊपर ले रही है। आप चेक कर सकते हैं इसका करंट भी चेक कर सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं मोटर बिल्कुल साउंड लेस चल रही है। और अभी आप ये चेक कर सकते हैं इसके साढ़े तीन अम्पेयर है। ठीक है मेरे भाइयों, अभी फिर मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। आप चेक कर सकते हैं इसके करंट बहुत ज़बरदस्त करंट ले रही है मोटर, ये आप चेक कर सकते हैं और करंट बहुत ज़बरदस्त ले रही है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाइयों। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर खरीत से होंगे मेरे भाइयों। आज जो हम मोटर रिवाइंड करेंगे या से रिपेयर करेंगे वो अभी चेक करने का जिक्र आपको बताऊंगा। तो ये हमने मोटर अभी खोली थी तो इसके अंदर पानी गया हुआ था, वो आप चेक कर सकते हैं। वो सामने इसके अंदर पानी गया हुआ था मोटर के अंदर, तो इस मोटर में से हमें पानी निकला है। तो पानी जाने की कौन सी वजह थी? ये इस मोटर की शाफट जो वो ख़राब हो चुकी है। ये मोटर अभी जैनवन बनी हुई है, आप भी चेक कर सकती हैं मोटर जो जैनवन बनी हुई है। ये लीडम भी आप चेक कर सकते हैं, इसके प्रॉपर जोड़ इसमें कोई नहीं है, पंच हुए हैं इसके साथ। इस जिस बंदे ने इसकी शाफट रिपेयर की है, जो भी मेरे भाई ये मज़ैल सब मसीबर पंप का काम करते हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है और यही बात है, आप जब भी आप शाफट तैयार करवाएं शाफट का सहज प्रॉपर तैयार करवाएं। वो इसलिए ताकि आप जब भी शाफट तैयार करवाते हैं इसका जो सहज होता है वो टाइट होना चाहिए, ये साइज जो है ना लूज़ नहीं होना चाहिए। इसका जो साइज था ये लूज़ था। ये कुछ ही दिन हुए हैं उन भाइयों ने ये मोटर जो है रिपेयर करवाई थी तो इसके अंदर पानी चला गया। जब शाफट नहीं तैयार हो जाती है, इसके ऊपर सिलें वगैरह सब कुछ नया डल जाता है, तो फिर पानी जाने का कोई मकसद नहीं इसमें रहता। प्लस उन्होंने इस जगह पे जैन चेंज करने की बजाय इसके ऊपर स्मट बाउंड लगा दी थी, ये आप चेक कर सकते हैं। स्मट बाउंड जब लगा देते हैं एल इसमें होता है, एल जब लगता है ना बाउंड को तो वो अपनी जगह छोड़ जाती है। अगर लगानी है तो आप सिलिकॉन इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे भाइयों। तो अभी ये शाफट आप देख सकते हैं, इसकी शाफट ये तैयार हुई हुई है। अभी इसके अंदर से जो हमने सील निकाली है वो सील इतनी लूज़ है ना, इसके अंदर आपको मैं चेक करवा सकता हूँ, वो सील बहुत ज़्यादा इसके अंदर लूज़ है। ये हमारी नई सील है जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर जो सील निकली है ना वो बहुत ज़्यादा लूज़ है सील। वो सील ये आप चेक कर सकते हैं, सील जो है ना बिल्कुल ढीली है, बिल्कुल ये आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल ढीली है। ये सील इसमें टाइट होके जानी चाहिए इसके अंदर। तो ये चीज़ आपने जो है ना मद्देनज़र रखनी है, क्योंकि ये मोटर चल तो रही थी, साढ़े पाँच एम्पेयर ले रही थी। तो जब मैंने खोली है साढ़े पाँच एम्पेयर ले रही थी और शॉर्ट शो करती थी, हाथ लगाते थे तो करंट लगता था, सीरीज पे चेक किया तो शॉर्ट भी हल्की हल्की सी थी। जिस वजह से मैंने ये मोटर खोली है, मैंने कहा आपके साथ इसका फार्मूला इसकी मालूम शेयर की जाए, ताकि आपके साथ ये अगर फॉल्ट शेयर हो आए तो आप इस फॉल्ट को अच्छे तरीके से कवर कर सकें। तो अभी ये मोटर की हम शाफट तैयार करवाएंगे, शाफट तैयार करवाएंगे और इसमें ज़ीरो साइज की सीलें डालेंगे, जो जैनवन सील आती है जेडी की। ये जेडी का स्टेटर है, ठीक है, और ये 075 की मोटर है, जेडी का स्टेटर है। इसमें हम जैनवन साइज इसका करवाएंगे और जैनवन ज़ीरो की सीलें डालेंगे। फिर भाइयों आपको चेक भी करवाएंगे इसमें सील कितनी टाइट होकर जाती है और क्या हिसाब होता है इसका। ठीक है ना मेरे भाइयों, अभी हम अपने काम की तरफ चलते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जैसा कि मेरे भैया आप देख सकते हैं, हमने मोटर रिपेयर करके चला के चेक की थी तो मोटर का करंट बहुत ज़्यादा था, साढ़े पाँच एम्पेयर ले रही थी अनलोड और गर्म भी हो रही थी। अभी हमने मोटर को निकाल लिया, स्टेटर है ये पड़ा हुआ, वायर वगैरह काट दी, अभी हम इसे खाली करेंगे, खाली करके फिर बनाने का भी आपको तरीका बताएंगे और ये भी बताएंगे इसमें फार्मूला कौन सा इंस्टॉल हुआ है।
और ये जानवर स्टेटर है जी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, अब आगे मालूम आप मेरे भाइयों आप देख सकते हैं, हमने इसके मोटर को खाली कर लिया है, इसके अंदर पेपर भी इंस्टॉल कर दिए हैं, पेपर इसी के थे पर पेपर ठीक थे, हमने साफ़ किए हैं, साफ़ करके इसके अंदर साइज बना लिया अभी। तो अभी इसमें जो हम इसके अंदर जो हम फार्मूला इंस्टॉल करेंगे वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर जो वायर नंबर है वो 22 है, 22 वायर नंबर है, डबल 22 है, चेक कर सकते हैं। 0.75 है RPM, 2900 अम्पेयर, 3.5, स्लॉट 24, और इसमें रनिंग और स्टार्टिंग की जो पीछे 8, 10, 12, उसमें टर्ने रनिंग की जो है 46, 48, 50 टर्ने रनिंग की हैं, और स्टार्टिंग की जो टर्ने हैं 49, 52, 53 और 22 नंबर तार। यह फार्मूला आप देख सकते हैं। तो अभी हमने जो साइज़ बनाया है, साइज़ भी हमने बहुत परफेक्ट साइज़ बनाया है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आपका जितना अच्छा साइज़ होगा उतना सेट सफाई से डलेगा और कोई मसला परेशानी नहीं होगी। आप ये चेक कर सकते हैं, हमने साइज़ दोनों साइडों से साइज़ को आपने पेपरों के नीचे रखना है, ये साइड जब आप ऊपर डालेंगे तो साइड भी आपका इधर ही आएगा, ठीक है ना, और आपकी मोटर बड़ी सफाई से बनेगी। ठीक है मेरे भाइयों, अभी हम फर्मे के ऊपर साइज़ एडजस्ट करेंगे, और फर्मे के ऊपर किधर साइज़ एडजस्ट करेंगे, इससे शुरू करेंगे 1, 2, 3, इससे शुरू करेंगे तभी सेट छोटा हो जाएगा, इससे शुरू करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, पर हमने इससे शुरू करना है। ये 5 कॉइल वाला सफर हुआ है, 4 वाला शुरू, 4 वाले भी आप बनाते हैं तो आपने छोटे से शुरू करना है तो इस पे आके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 5 वाला है तो फिर दूसरे से शुरू करना है तो इस पे आके ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ आपने बहुत मद्देनज़र रखनी है। अभी हम वायर नंबर है ये 22 नंबर तार है, अभी हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके इंशाल्लाह आगे आपको बताते हैं और इंस्टॉल करने का तरीका भी बताएंगे भाइयों को, ठीक है ना। जैसा कि मेरे भाइयों आप लोग देख रहे हैं कि अभी हमने साइज़ वगैरह बना लिया और अब हम इसका सेट तैयार कर रहे हैं। अभी इसका सेट तैयार करने के बाद आप इंस्टॉल करने का मुकम्मल तरीका भाई आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली यार नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। और बाकी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह भाइयों को ज़रूर रिप्लाई देंगे। आपने कोशिश करनी है कि सेट का साइज़ जितना फिक्स साइज़ बनाएंगे इतना ही आपका खूबसूरत सेट तैयार होगा और उतनी ही सफाई से आपकी मोटर बनेगी। अगर आप साइज़ बड़ा करेंगे तो इससे आपकी तार भी बहुत ज़्यादा लगेगी और आपकी मोटर सफाई से नहीं बनेगी। फिक्स साइज़ होगा, आपकी तार भी कम लगेगी और आपकी मोटर भी बड़ी सफाई से बनेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा सेट तैयार हो चुका है, अभी हम इसको बांधेंगे और इसका वेट करेंगे। इसके अंदर जो वायर नंबर है वो 22 है, जो वायर का वज़न है वो आपका जो स्टार्टिंग है टोटल कंप्लीट दोनों रनिंग और स्टार्टिंग में हमारी 1 kg तार लगती है, किलो तार लग जाती है रनिंग और स्टार्टिंग, ठीक है ना। तो इसमें 0.75 में इतनी आपकी वायर इस्तेमाल हो जाती है किलो, ठीक है ना। आपने साइज़ का ख़ास ख्याल रखना है, अगर आप साइज़ का ख्याल रखेंगे तो आपका ये जो 1 kg तार है उम्मीद है उसमें से भी आपकी तार बच जाएगी। अगर साइज़ आपका सही नहीं होगा तो आपकी तार ज़्यादा लग सकती है। और एक चीज़ आपको मैं और बताता चलूँ, ये आप चेक कर सकते हैं, इसके मोटर का साइज़ भी, स्टेटर का साइज़ भी बता सकता हूँ, इसका 4.5 इंच आप चेक कर सकते हैं। ये 0.75 का 5 इंच से 2 5 इंच 2 सूत्र इसका साइज़ है स्टेटर का, आप चेक कर सकते हैं, 5 इंच 2 सूत्र है, ठीक है। जो 4 इंच का स्टेटर है 0.75 JD का स्टेटर है, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर हम सेट इंस्टॉल करेंगे, वो भी इंशाल्लाह आपको जगह बताऊंगा सेट हमारे साथ सकते हैं। अभी हम इसके अंदर सेट इंस्टॉल करने लगे हैं, तो जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताता हूँ, सेट का इंस्टॉल करने का बहुत ही आसान तरीका है, तो आपने भी सेम यही कुलिया इस्तेमाल करना है इंस्टॉल करने के लिए, तो आपका सेट भी बड़े सफाई के साथ इंस्टॉल होगा और बड़े ही तरीके के साथ सेट जो है इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं हमारी इन वाली सेट जो है इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है, तो अभी आउट वाली साइज हम साइड इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपने थोड़ी थोड़ी वायर करके इसके अंदर इंस्टॉल करनी है, और पेपर की मदद से
स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश करनी है आपने। अब ये चीज़ चेक कर सकते हैं, आपका सेट अगर बनावट में सही बना होगा तो आपके तारें भी तंग आपको नहीं करेंगी, आपकी तारें बाइजी आराम सुकून से स्लॉट के अंदर जो है इंस्टॉल हो जाएंगी। अगर सेट के ऊपर तार के ऊपर तार चढ़ी हो तो सेट इंस्टॉल होने में बड़ा तंग करता है और मसला करता है। आपने कोशिश ये करनी जब सेट बनाना है तो सेट को बनाते हुए भी मद्देनज़र रखनी है ये चीज़, आपका सेट सफाई से बने। इंस्टॉल जब करेंगे तो बड़ी सफाई के साथ आपका सेट भी इंस्टॉल हो जाएगा और आपको परेशानी का सामना नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं पेपर की मदद से मैंने सेट जो है इंस्टॉल कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं पेपर को बाहर निकाल के फिर प्रॉपर तरीके से उसके अंदर इंस्टॉल करूँगा। क्लास की मदद से पेपर को मैं बाहर निकालूंगा, आप चेक कर सकते हैं। इसकी जगह पे मैं दूसरा पेपर इंस्टॉल करूँगा जो बिल्कुल प्रॉपर पेपर है, प्रेसिंग सही हो जाएगा। आपने भी सेम यही तरीका इख्तियार करना है ताकि आपकी मोटर सफाई के साथ बने पहला नंबर, और दूसरा नंबर कोई मसला परेशानी ना हो। जी आप चेक कर सकते हैं मैंने सेट को शेप दे दी है, इस सेट से भी आप चेक कर सकते हैं दोनों। जैसा कि मेरे भाई आप देख सकते हैं बड़ी ही सफाई के साथ जो हमारा पहला क्वेल है स्लॉट के अंदर इंस्टॉल हो गया। अभी दूसरा क्वेल जो है वो भी हम स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो अब भराई का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, आपको वो मैट्रिक्स बताता हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। मैं फेक इस तरह लोग कंप्लीट नहीं बताते, तो मैं इसका फार्मूले से ले कर कनेक्शन तक आपको बताता हूँ। जो नए भाई हैं मेरे, जो नए मोटर वाइंडिंग वेंडर हैं उनके लिए ये वीडियो है, वो बना इसको देख के बना सकते हैं मोटर। इसमें वो फार्मूला मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ जो जेन्युइन फार्मूला है, ठीक है ना। अभी आप चेक कर सकते हैं मैं इसकी मदद से पेपर की मदद से स्लॉट के अंदर मैंने वायर इंस्टॉल कर लिया, पेपर फिर मैंने निकाल दिया। और अभी आप चेक कर सकते हैं अभी मैंने सारी कंप्लीट वायर इंस्टॉल कर ली है। ये डिपेंड करता है आपके हाथ के ऊपर, आप जब सेट बनाते हैं ना उस पर आप फोकस किया करें, हमने सेट सही बनाया है या सेट में कोई परेशानी तो नहीं है। सेट के ऊपर वायर के ऊपर जब आपकी वायर्स आ जाती है ना उस टाइम ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, फिर आपको तंग परेशानी का सामना होता है, सेट से आपसे सफाई से डलता नहीं है और तंग होते हैं। ये अभी रबड़ वाली थोड़ी है, इससे हमने सेट को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं मेरे भाइयों, और आप ये भी देख सकते हैं मेरा टाइम कितना लगा। मैं टाइम इंशाल्लाह मेरा ये घंटे से पहले हमारी मोटर जो है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। ये मर्सिबल पंप है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने जो वायर इंस्टॉल करना हूँ, ये पेपर को मैंने पकड़ा, हमारा जो है इन वाली साइड भी इसके अंदर बड़ी ही सफाई के साथ जो है आसानी के साथ जो इसके अंदर इंस्टॉल हो गई है। ये आप देख सकते हैं, तो यही ट्रिक आप फॉलो करेंगे तो आप मोटर भी ग्राइंडिंग कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जो आप फॉलो कर सकते। ये भी हीट प्रूफ पेपर है, हीट प्रूफ अच्छा पेपर है, तो जिसकी वजह से मैंने पेपर तो ठीक था, पेपर कोई डैमेज शामिल नहीं था, जिसकी वजह से मैंने पेपर नया इसके अंदर इंस्टॉल नहीं किया। अभी जो अभी हम बाकी जो वायर से रह गए वो भी इंस्टॉल करेंगे इसी के अंदर। ये आप देख सकते हैं
पेपर को बाहर निकालूंगा, निकाल के फिर सही करके डालूंगा। अभी वायर जो है इसके अंदर, ये आप चेक कर सकते हैं आराम से, कौन से हमारी जो है वो इंस्टॉल हो गई है। इसके अंदर जो जेन्युइन सेट डले होते हैं वो पाँच पाँच के बीच, दो पीच तीन के बीच पर सेट डला होता है, तो एक स्लॉट खाली होता है तो तीन पे सेट डला होता है, उसमें पाँच कॉइल का सेट होता है, ऊपर भी पाँच कॉइल का सेट डालती है कंपनी। पर हम क्या करते हैं, हम उसी पाँच सेट की जो चल रहे हैं ना वो तीन सेट पर ड्राइव करते हैं, एक तो ईजी हो जाती है और मोटर बड़ी ही सफाई के साथ लोग आई बन जाती है। आप ये चेक कर सकते हैं हमारा जो सेट है परफेक्ट तरीके के साथ जो है इसके अंदर इंस्टॉल हो गया है। और देखिए मैंने कोई हज़ार नहीं इस्तेमाल किया, लोग जिस तरह हज़ार इस्तेमाल कर रहे होते हैं कभी वो कर, जितनी बंदे को समझ होती है उस हिसाब से बंदा करता है। तो कोशिश कम से कम मैं ये करता हूँ इसके अंदर कोई हज़ार ना इस्तेमाल करूँ, कोई चीज़ ना करूँ, क्योंकि तार डैमेज हो जाए तो मोटर क्रॉस होने का खतरा होता है, बाकी तो चल जाती है। जैसे लोड पड़ता है मोटर के तारों को सारे एक जगह से अनामल उतरा दूसरी जगह पे ठीक हो तो मसला परेशानी होती है। अभी हम दूसरा सेट डालेंगे फिर स्टार्टिंग का इंस्टॉल करूँगा, वो भी इंशाल्लाह बताऊँगा। डिटेल से बताऊँ तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, तो मैं खास जो मेन मेन पार्ट होते हैं वो उनकी मैं वीडियो क्लिप्स बना के आपको बताता हूँ, अगर कम्प्लीट करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी मैं इसका दूसरा सेट डालूँगा, डाल के जब स्टार्टिंग इंस्टॉल करूँगा वो भी बताऊँगा बस हमारे साथ। जैसा कि मेरे भाइयों आप देख सकते हैं हम स्टार्टिंग के सेट जो इंस्टॉल कर रहे हैं पेपर की मदद से, तो थोड़ी थोड़ी सी वायर करके हम इंस्टॉल कर रहे हैं स्लॉट के अंदर। तो ये जो चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है, जिस तरह मैं सेट इसके अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मसला परेशानी जो जब स्टार्टिंग में डबल सेट वाला डालता है उस टाइम होती है, तो खैर घबराना नहीं, आपने परेशान नहीं होना। ये मैंने पेपर निकाल लिया, अभी आप इसके अंदर देख सकते हैं इसके अंदर वायर है। अभी हाथ की मदद से मैं स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि मेरे भैया आप देख सकते हैं अभी दूसरा एक वायर जो है हम स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं पेपर की मदद से, अभी एक बता रहे हैं हमने एक साइड की इंस्टॉल कर दी है उन वाली, अभी इसके ऊपर पेपर इंस्टॉल कर रहे हैं। पेपर इंस्टॉल करेंगे, पेपर के बाद फिर दूसरी साइड पे इंस्टॉल करेंगे वायर। हमारा थोड़ा सा पेपर जो है जगह से मदद फंस रहा है, जिसकी वजह से मैंने स्केल की मदद से इस जगह को सेट किया है, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये साथ आपने ये चीज़ की मद्देनजर रखनी है, आपका जो सेट है स्लॉट में से बाहर तो नहीं है, ऊपर पेपर तो बाहर तो नहीं निकला। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो फॉलो करनी पड़ेंगी आपको, तो जिसकी मदद से आप इंशाल्लाह मोटर खुद रिवाइंड करेंगे। ये भी आप चेक कर सकते हैं, हम साथ साथ इसके ऊपर ये गटियाँ भी लगा रहे हैं, वो इस वजह से सेट जो है आगे मूवमेंट ना करे। अभी मैं सेट डाल के फिर इसके ऊपर ट्रैकिंग रखूँगा, ये आप देख सकते हैं। ये पेपर है, इसके ऊपर पेपर जो इंस्टॉल कर रहे हैं। जब दूसरी साइड डालनी है तो आपने थोड़ी थोड़ी सी वायर लेके स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करनी, क्योंकि दूसरी साइड से देखा है अभी साइड से तारें जो है स्लॉट के अंदर नहीं इंस्टॉल, पेपर बाहर आ गए, तो यही चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है जब भी आपने इंस्टॉल करनी है। ये आप देख सकते हैं अभी मैं हाथ डाल के जो वायर जो है दूसरी साइड में कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारा सेट जो बाइजी स्लॉट के अंदर जो है इंस्टॉल हो जाए। ये आप देख सकते हैं तार जो है हमारी सारी
स्लॉट के अंदर जो इंस्टॉल हो गई हैं। पेपर एक बार फुल डाल के बाहर निकाल लेना है। ये बाहर आ गया, फिर हमने थोड़ी सी वायर्स लेनी है। ये आप देख सकते हैं, यही मेरे भाइयों आपने तरीका फॉलो करना है। तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आप जो डिजाइन करेंगे तो इंशाल्लाह बनेगी आपकी मोटर। सिर्फ कोई भी काम में मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है, बाकी आगे कुछ खुद ब खुद समझ लग जाती है। जब करना शुरू हो जाए ना तो हाथ खुद ब खुद चल जाता है। बस थोड़ी सी ट्रिक समझ होनी चाहिए बंदे को, क्योंकि ये जब ऊपर वाली जब सेट डालते हैं तो सेट थोड़ी सी उनकी टर्न जो है ना थोड़ी सी एक दो एक्स्ट्रा होती है स्टार्टिंग की, तो जिसके मदद से बाजू का तो पूरी पूरी भी डाल देते हैं। तो क्योंकि स्टार्टिंग थोड़ी सी ठीक हो ना टर्न है, इसको जब मोटर स्टार्ट लेते हैं उस टाइम मसला परेशानी कोई नहीं बनती, कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अंदर हाथ भी आपको पता है नहीं जाता, तो इसलिए इसी ये पेपर की मदद से जो तारें जो है स्लॉट के अंदर जो इंस्टॉल करनी है। जैसा कि मेरे भैया आप देख सकते हैं, हमने डोरी वगैरह भी नीचे लगा ली, अभी ऊपर की भीड़ें वगैरह निकाली है। इसके कनेक्शन एक से तीन है, एक दो तीन, एक से तीन कनेक्शन है। तो रनिंग स्टार्टिंग की एक हमने कामन बना ली है, तो बाकी ये चार भीड़ें बाहर हमने निकाली, ये अभी कामन है रनिंग स्टार्टिंग की और दो दूसरी रानी। जैसा कि मेरे भैया आप देख सकते हैं, मोटर की कंप्लीट फिटिंग कर ली है। अभी हम सीरीज में चेक करेंगे मोटर शॉर्ट वगैरह चेक करेंगे, जब आप चेक कर सकते हैं शॉर्ट वाट नहीं है मोटर बिल्कुल ओके। अभी इसके पेयर वगैरह भी आपको चलाक चेक करवाते हैं, पेयर वगैरह भी चेक करवाते हैं। तो अभी इसके अंदर जो हमने फार्मूला इंस्टॉल किया था वो भी इंशाल्लाह आपको बताया, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मतलब टर्न स्टार्ट की इसमें कौन सा फेयर मेड फेयर के आप चेक कर सकते हैं। साउंडलेस मोटर है और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है मोटर, के आप चेक भी कर सकते हैं। तीन साढ़े तीन अम्पेयर ले रही है, जो मैंने वीडियो के अंदर दिए थे अम्पेयर वही इसके ऊपर ले रही है। आप चेक कर सकते हैं, इसका करंट भी चेक कर सकते हो, और आप ये भी देख सकते हैं मोटर बिल्कुल साउंड लेस चल रही है। और अभी आप ये चेक कर सकते हैं, इसके साढ़े तीन अम्पेयर है। ठीक है मेरे भाइयों, अभी फिर मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ, आप चेक कर सकते हैं इसके करंट बहुत ज़बरदस्त करंट ले रही है मोटर, ये आप चेक कर सकते हैं। और करंट बहुत ज़बरदस्त ले रही है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाइयों, अल्लाह हाफिज़।